मैं रिकमेंड करूँगा आपको। अगर हम बात करें किसकी, सीट है 2021 की, ठीक, ये मिस टाइपिंग है 2021 की, क्योंकि 2021 में ही होना है अब तो सीटेट। तो एक बार ये देखो, ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? हाँ चलिए। तो अगर हम बात करें, एक मिनट रुको, स्ट्रेटजी पे एग्ज़ाम की, क्या स्टडी प्लान हम बना करके चलें और बुक्स कौन सी रख सकते हैं, या सेल्फ स्टडी करें तो कैसे करें, यूट्यूब से पढ़ें या क्या करें, ठीक। तो अगर हम बात करें सीटेट 2021 की, तो हमें पता है मोस्ट प्रॉबेबली यही एक पैटर्न रहेगा कि 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, चाहे आप पेपर वन दें चाहे आप पेपर टू दें। 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 150 ही मिनट आपके पास हैं, एक मिनट एक क्वेश्चन, ठीक, जिसमें आपको OMR भी फिल करनी होती है। ऑफलाइन पेपर होता है, आप जाकर के सेंटर्स पे पेपर देते हैं, क्लियर है ये बात। नेगेटिव मार्किंग कोई इस एग्जाम में होती नहीं है, और क्वालिफाइंग एग्जाम है तो नेगेटिव मार्किंग होने का कोई पॉइंट भी नहीं है, ठीक। फिर है 90 मार्क्स, नहीं होने को हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है, जिन लोगों को इस बात में दिक्कत हो। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए, 150 में से। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से, आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई एक रिलैक्सेशन नहीं है, तो आपको चाहिए 90 मार्क्स, यानी 60% नंबर अगर आपके आ गए तो आप हो जाएंगे क्वालिफाइड। अब 60% लाना आसान है इस केस में, क्योंकि ना तो नेगेटिव मार्किंग है और सिलेबस भी फिक्स्ड है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स आपके आने चाहिए, 150 का 55% 82 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो उस केस में आपका अदर OBC SC ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो 55% यानी 82.5 समथिंग आपके मार्क्स हैं, तब चलेगा, जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स। आगे बढ़ेंगे, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। 3 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है इस एग्जाम की तैयारी करते हुए, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, चाहे कोई भी चेंज ना हो, तब भी ये चीज़ें एज इट इज रहेंगी। जो सिलेबस है, क्योंकि CBSE सिलेबस एकदम क्लियर कट देता है, मैं शेयर भी कर दूंगी जो पिछले साल का सिलेबस है, वही सिलेबस काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो सिलेबस बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, अभी भी अगर पैटर्न भी चेंज होगा कभी भी अगर, तब भी सिलेबस एकदम क्लियर कट CBSE देता है आपके सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। बात इस बात को अगर हम समझें तो सिलेबस हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पेपर वन दें चाहे आप पेपर टू दें, सिलेबस एकदम क्लियर कट है, ठीक। सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना है, आंख बंद करके ग्रामर पढ़ना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि आती नहीं है, है ना, क्योंकि 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए पूरी ग्रामर तो आप नहीं पढ़ेंगे, तो समझेंगे उसको। फिर है क्या नहीं करना है, उस पर भी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए ये चेंज नहीं होगा, और ये आधार है एक तरीके से। अगर आपने 2011 से 2021 तक, जो पिछले 10 सालों के है ना, 10 साल अभी हुए हैं इस बार ही, अगर हम बात करें सीटेट को, तो कई लोग तो पहले से ही 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देते थे जब 10 साल हुए भी नहीं थे इसको। तो 2011 से 2021 तक के अगर आपने प्रीवियस ईयर, और 2011 भी छोड़ दो, अगर 2013-14 के बाद से भी या 15 से भी अगर आपने 21 तक पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको वो पेपर सॉल्व करते समय समझ आ गए और आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए वो वाले, सिर्फ प्रीवियस ईयर भी अगर आपने अच्छे से किया हो, लिख के ले सकते हो आप इस बात को कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम, अगर आपने ढंग से सिर्फ प्रीवियस ईयर को कर लिया। और हमारे साथ दिक्कत क्या, हमें लगता है प्रीवियस ईयर तो आ चुके, अब तो ये आएंगे नहीं, तो इनका क्या पॉइंट है, जबकि सीटेट में इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो रिपीट नहीं होते वो घुमा करके पूछ लिए जाते हैं सेम टॉपिक से, क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है। अगर 15-20 टॉपिक हैं CDP में, बाल विकास में, 30 नंबर के, तो वो उतने ही हैं, वो फिक्स्ड हैं, हर साल वहां से क्वेश्चन आना है। प्याजे वाइगोस्की कोहलबक से अगर 5-6 क्वेश्चन मिला करके आने, तो वो आने हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें बुक्स की, अब बुक्स यहाँ पे कम महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है। सिलेबस सबसे पहले आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए, चाहे तो आप खरीद लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे मैं आर गुप्ता बताती हूँ, बट उसमें 2020 तक का ही है, तो किरण पब्लिकेशन का 2021 तक है उसमें, वो ले सकते हो, हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है अभी सिर्फ। या फिर अगर प्रीवियस ईयर नहीं भी लेने, तो सीटेट की वेबसाइट से जाकर के आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हो विद ऑफिशियल आंसर की। ऑफिशियल आंसर की पे पूरा भरोसा करना है, और एटलीस्ट इतने सीटेट की वेबसाइट से जो प्रीवियस ईयर है, मैंने अपलोड भी किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, फिर से मैं अपलोड कर दूंगी, PDF शेयर कर दूंगी, वो अपने पास रखिए, मैं उनको कल तक शेयर कर दूंगी जो प्रीवियस ईयर है सीटेट की वेबसाइट पे। बुक्स की अगर हम बात करें, आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लें, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं लेंगे तब भी हो जाएगा क्लियर। रीज़न कैसे होगा, यहाँ लेट्स लर्न पे प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल ये YouTube पे बनी हुई है, जो एकदम फ्री है सभी के लिए देखना, जिसमें मैंने कुछ मैराथन सेशन लिए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले वो मैराथन सेशन देख लीजिए,
CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का एक मैराथन सेशन देख लिया, पूरे नोट्स बना लिए या PDF भी उसका मैंने शेयर किया हुआ होगा, फिर क्वेश्चन ट्राई किए, फिर दूसरे सब्जेक्ट का देखा, फिर तीसरे सब्जेक्ट का देखा, हिंदी इंग्लिश मैथ्स सबका देख लो एक एक करके, नहीं तो अलग अलग सब्जेक्ट की बिल्कुल चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी है स्पेशली CDP की, उनको देख लो और नोट्स बना लो, कोई जरूरत नहीं कोई किताब लेने की, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए और सिलेबस आपको आइडिया हो। आगे बढ़ेंगे समझेंगे, फिर भी अगर किताबें लेनी है तो मैं बता दूंगी, सजेस्ट कर दूंगी दो चार। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, एक पेपर है पेपर 1 जो होता है प्राइमरी के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर आपको शिक्षक बनना है या शिक्षिका बनना है, बेसिकली टीचर बनना है, तो आप क्या करेंगे, पेपर 1 देंगे फॉर 1st to 5th टीचर्स, ठीक। और 6th to 8th के लिए, अभी वो तो आया नहीं है PGT वाला, आगे शायद तीसरा लेवल भी आ जाए इसमें, तो 1st to 5th के लिए आपके पास पेपर 1 की तैयारी, और अगर आपको दोनों देने आप दोनों भी दे सकते हो, दोनों में से किसी एक में फेल हो जाते हो तब भी दूसरा पेपर वैलिड रहता है, अभी लाइफ टाइम हो ही गई है वैलिडिटी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने एक बार अच्छे से पास कर लिया कोई टेंशन नहीं। पेपर 1 में भी 5 सब्जेक्ट हैं, ये भी 150 नंबर का ही पेपर है, ठीक, और ये भी 150 मार्क्स का ही है, ठीक है बात। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग दोनों में से किसी में नहीं है, 2.5 घंटे का ही पेपर है, 150 ही मिनट है, पूरा भरपूर टाइम है आपके पास, ऑफलाइन है पेपर अभी भी, 5 सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 1 में, ध्यान से समझिएगा, और 4 सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 2 में, जिनमें से out of 5 3 सब्जेक्ट यहां भी बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम लेवल है, लेवल में भी कोई खास अंतर नहीं है, और 3 सब्जेक्ट यहां भी सेम है, सिर्फ 1 सब्जेक्ट अलग है आपका पेपर 2 के लिए। यदि आप साइंस एंड मैथ्स के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए साइंस एंड मैथ्स आएगा, और अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उस केस में SST आ जाएगा 60 नंबर का पेपर 2 के लिए। बाकी इसमें दोनों ही पेपर में 3 सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है, 3 सब्जेक्ट का मतलब है 90 नंबर बिल्कुल कॉमन, 90 मार्क्स बिल्कुल सेम है। तो ऐसा नहीं है आपको दोनों पेपर की अलग अलग तैयारी करनी है, आपको सिर्फ ढंग से तैयारी शुरू करनी है, और वो जो 3 सब्जेक्ट हैं जो तीनों कॉमन है, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इंग्लिश हिंदी, ये दोनों जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल कॉमन है, और लेवल में ज्यादा अंतर नहीं रहता क्योंकि दोनों पेपर का सिलेबस सेम है इन तीनों सब्जेक्ट का। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे CDP बाल विकास का सेम सिलेबस मिलेगा, इंग्लिश हिंदी का सेम सिलेबस मिलेगा, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। और जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे ना, पेपर 1 के भी कीजिए और पेपर 2 के भी कीजिए, तीनों सब्जेक्ट के, आपको कोई और प्रैक्टिस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कर लीजिए क्योंकि सिलेबस सेम है, इससे अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको कोई दे नहीं सकता बना के, कोई टीचर मेड क्वेश्चन पेपर इतना बढ़िया नहीं बना सकता जो स्टैंडर्ड CBSE बना के देता है क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर आप दोनों के प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हैं चाहे आप पेपर 2 देने जा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट जो कॉमन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों के प्रीवियस ईयर दोनों लेवल के करिए सिलेबस के साथ साथ, ये 90 मार्क्स अगर आपके मजबूत हैं, बाकी जगह आप थोड़े कम कम भी ले आएंगे तब भी पास हो जाएंगे या अच्छे भी नंबर आएंगे, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें, 5 सब्जेक्ट की बात करें, अभी हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं आप कैसे स्टडी प्लान बनाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले भी कर दो क्या दिक्कत है। देखो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ये हैं कुछ 5 सब्जेक्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा, ठीक। मैथमेटिक्स सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठा के देखो, जिन्होंने पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं जो लोग मैथमेटिक्स, अब ये मैथमेटिक्स नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, ये गलती हम बहुत ज्यादा करते हैं, 15 नंबर का इसमें मैथ्स आएगा जो 1st to 5th लेवल की, अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बुक उठा लेंगे क्योंकि इसमें NCERT बहुत हल्की सी है और प्लस प्रीवियस ईयर, तो वो कंटेंट है 15 नंबर का, या सिर्फ प्रीवियस ईयर से भी कर लोगे तो भी हो जाएंगे बेसिक कैलकुलेशन। और बाकी के 15 नंबर में क्या है, पेडागॉजी है मैथ्स की, वो पेडागॉजी हम यहाँ भी लेट्स लर्न पे भी डिस्कस करते हैं, बेसिकली पेडागॉजी का मतलब है आप पढ़ाएंगे कैसे उस सब्जेक्ट को, मैथ्स को आप पढ़ाएंगे कैसे, तो हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागॉजी है, जैसे EVS है 15 से 20 नंबर कॉन्टेंट और 15 नंबर आपका पेडागॉजी। EVS के लिए टोटल NCERT पढ़िए 3rd क्लास से 5th क्लास तक की NCERT, मैंने समरी भी बनाई हुई है एक एक चैप्टर की यहीं लेट्स लर्न पे, वो देख लीजिए, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो नंबर पूरे आ जाएंगे। साथ में अगर हम बात करें जितने सेक्शन वो NCERT का है वहां से पूरे आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं कि NCERT पढ़ के पूरे 30 आ जाएंगे, ठीक। बाकी 15 नंबर की पेडागॉजी भी NCERT से ही इंस्पायर्ड होती है, तो वो भी मैंने डिस्कस की हुई है यहीं चैनल पे, प्लेलिस्ट देखिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। लैंग्वेज 1 की अगर मैं बात करूं तो ये कंपलसरी होती है, जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं, मान लीजिए लैंग्वेज 1 हिंदी है, वैसे हिंदी ही लीजिएगा अगर आपको हिंदी बोलनी आती है या पढ़नी आती है, कई लोग इंग्लिश ले लेते हैं, लैंग्वेज 1 कंपैरेटिवली मुश्किल आती है लैंग्वेज 2 से,
उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लिटरेचर संबंधी क्वेश्चन भी पूछ लेगा, कई बार थोड़ा सा ग्रामेटिकल भी पूछेगा, तो मुश्किल पूछेगा लैंग्वेज वन का। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी आपके लिए आसान रहती है, आपको पता भी नहीं लगता अंतर दोनों के बीच में। ठीक, तो जनरल रिकमेंडेशन मेरी यही रहती है। अभी खैर फॉर्म आएंगे तब बात करेंगे इस बारे में। तो लैंग्वेज टू की यदि हम बात करें, तो मान लीजिए आपने इंग्लिश ले ली, दोनों लैंग्वेज आप सेम नहीं ले सकते। वैसे 22 भाषाएं या 21 लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप बंगाली भी ले सकते हैं, आप संस्कृत भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों लैंग्वेज अलग अलग लेनी है हमें। स्टैंडर्ड हम हिंदी इंग्लिश मान के चल रहे हैं। इनका सिलेबस है 15 नंबर की, इसमें आती है पेडागॉजी हिंदी और इंग्लिश में स्पेशली, और 15 नंबर की इसमें आती है आपकी क्या बोलते हैं पैसेज। ग्रामर रटते हैं लोग इसके लिए, जिसका कोई औचित्य नहीं है। पेडागॉजी है, आप पढ़ाएंगे कैसे हिंदी को, कुछ 5-7 टॉपिक हैं सिर्फ सिलेबस में। मैंने यहाँ लेट्स लर्न पे चैप्टर वाइज कराए हुए हैं, इंग्लिश में भी मैंने चैप्टर वाइज कराया हुआ है पेडागॉजी सेक्शन। बाकी के जो 15 नंबर है ना पैसेज के, यानी गद्यांश पद्यांश के, 7 नंबर का एक, 8 नंबर का एक, उसके लिए आपको करनी है प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना गद्यांश के लिए। आपको समझ में आ जाएगी, उसी तरह के गद्यांश और पद्यांश आते हैं। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर हो गई। अब पेपर टू की अगर हम बात करें, अभी लास्ट में मैं समराइज कर दूंगी। अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो लाइक शेयर कर देना, स्पेशली जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऐसे लॉकडाउन के टाइम में या कोरोना के टाइम में, वो उन तक ये बात पहुंचे। ठीक, लेट्स लर्न का बड़ा योगदान रहा है सीटेट के एक पॉजिटिव रिजल्ट में, ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये सीटेट की जो तैयारी है वो बहुत मतलब दिल से कराई जाती है, ये कह सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें पेपर टू की, पेपर टू की यदि हम बात करें, तो यहाँ आते हैं 4 सब्जेक्ट। अगेन 3 सब्जेक्ट कॉमन है। अगर आपने CDP की तैयारी और हिंदी इंग्लिश की तैयारी पहले ही कर ली तो यहाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 90 नंबर की तैयारी आपकी हो चुकी। आपको एक सब्जेक्ट अलग तैयार करना होगा यदि आप ह्यूमैनिटीज से हैं, यानी आर्ट्स स्ट्रीम बोल देते थे पहले, या फिर आप अगर कॉमर्स से हैं तो जनरली आप लेते हैं SST, और दूसरे केस में अगर आप BSc वगैरह से करके आए हैं तो आप साइंस एंड मैथ्स ले लेते हैं। ये आपका सब्जेक्ट 60 नंबर का आता है, इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ करके दी हुई है, 60 नंबर का आता है। ठीक, अगर हम बात करें तो ये 60 मार्क्स टोटल आपके NCERT बेस्ड हैं, टोटल NCERT बेस्ड हैं 60 मार्क्स आपके। अगर आप SST की NCERT अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, 6th, 7th, 8th की, पेपर 1 वाले पढ़ेंगे 1st to 5th की NCERT, और पेपर 2 वाले पढ़ेंगे 6th to 8th की NCERT, क्योंकि आपको उसी लेवल का टीचर बनने जाना है। ठीक है बात, तो ये अगर आपका SST सब्जेक्ट है तो आप SST की, जैसे हिस्ट्री, जो हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सारी ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी वेबसाइट का, जहां NCERT की वेबसाइट पे अवेलेबल है, माई पाठशाला और समथिंग लाइक दैट है, जिसपे सारी NCERT किताबें अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं, पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो या फिर समरी देख सकते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे समरी डिस्कस कराते हैं, क्योंकि UPSC वगैरह में पूछी जाती है SST की समरी, तो वो भी आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज। इसके अलावा प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़िए, उससे आपको पता लगेगा NCERT से क्वेश्चन बना कैसे है। साइंस और मैथ्स के लिए भी सेम है 6th to 8th की NCERT। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे एक बार। आप सीटेट को मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें नहीं करना, क्या करें। तो हम कह सकते हैं कि NCF मैंने यहां डिस्कस भी किया हुआ है, इसको 100 पेज 110 पेज पढ़ने की बजाय, कुछ पेपर्स आते हैं जो अभी लास्ट टाइम जो टॉपर रहे हैं जिनके 143 नंबर थे, उन्होंने लेट्स लर्न से समझा और उनका अपना बहुत एफर्ट था उसमें, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी पढ़े NCERT के द्वारा जो गिवन है, वो मैंने शेयर भी किए हुए हैं टेलीग्राम पे, फिर से कर दूंगी। वो पढ़िए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, आपका मैथ्स का पेडागॉजी हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागॉजी वहां से तैयार होगी। तो NCF को अच्छे से कर लीजिए, जो मेन मेन मुद्दे हैं इसके, यहाँ चैनल पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस ईयर सारे पढ़ लीजिए इसके, NCF से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो 5 के 5 सब्जेक्ट में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर सब जगह पे आएगा। ठीक है बात, दूसरी चीज है ग्रामर। ग्रामर आपको नहीं करनी, आपके पास बहुत समय है, आपका इंटरेस्ट है तो कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे ना जब, वहीं पे, क्योंकि ग्रामर का क्या उद्देश्य है। देखो अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता लगेगा, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, 15 नंबर की है पेडागॉजी, जिसमें 5 से 7 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं मुश्किल से। पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र, आप पढ़ाएंगे कैसे हिंदी को या इंग्लिश को, वो 15 नंबर आपके यही लेट्स लर्न से कवर हो जाएंगे अगर आप देखते हो। साथ में प्रीवियस ईयर कर लो, कुछ भी नए टॉपिक मिले तो प्रीवियस ईयर में जैसे ही दिखे कुछ नया है उसको सर्च कीजिए, या यूट्यूब पे देखिए, या कहीं से भी पता कीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। जरूरत नहीं है कि आप किताब अलग से खरीदेंगे। ठीक, फिर है क्या, 15 नंबर का आपका पैसेज, 15 मार्क्स का पैसेज, जिसको गद्यांश या पद्यांश कह देते हैं हम, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना है। अब ये जो 2 पैसेज आते हैं ना, इनमें मान लो 2 नंबर का कोई ग्रामर का क्वेश्चन आ गया कि सिनोनिम बता दो, या कुछ और पूछ लिया, 2 नंबर का यहां आ गया, मैक्सिमम 4 नंबर की हद से हद ग्रामर आती है, और ये भी पैसेज से रिलेटेड। अगर आपने पिछले 12 साल 15 साल पढ़ाई की है तो वो आप सॉल्व कर पाते हैं,
तो अलग से ग्रामर की तैयारी बाद में कीजिए अगर समय बच जाए तो, या छोड़ दीजिए। मेन मुद्दा होना चाहिए आपका पेडागॉजी और पैसेज। पैसेज में लोग नंबर खूब कटवाते हैं, क्यों? क्योंकि 7 नंबर का एक पैसेज है, 8 नंबर का एक पैसेज है, टाइम लगता है पैसेज पढ़ने में, और कई बार सारे ऑप्शन सही लग रहे होते हैं। तो ये जरूरी है कि हम क्या करें। बहुत बढ़िया, पूजा गुप्ता कह रही है मेरे 30 out of 30 आए आपकी वजह से, बहुत खुशी की बात है। देखिए एक बार तो 15 15 की पैसेज और पेडागॉजी, पैसेज पे अच्छे से फोकस कीजिए शुरू से ही, लास्ट में पैसेज की तैयारी नहीं होती। पेडागॉजी ये तो जल्दी कवर हो जाती है और इसमें नंबर आ भी जाएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश में 15 15 नंबर की, ठीक। वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर, जिसकी हद नहीं है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। क्या 2-3 बातें हमने अभी डिस्कस की हैं। ये प्रीवियस ईयर एक बुक है, 2021 तक का आई थिंक किसी बुक में अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये करंट पब्लिकेशन में डल गया है। अगर टेलीग्राम पे या तो लिंक शेयर करूंगी जितनी भी बातें मैंने की हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। तो ये 2021 तक अपडेटेड है। वैसे मैं आर गुप्ता बताती हूँ, दोनों में से कुछ भी लोगे तब भी चलेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर सभी में सेम है। आर गुप्ता में 2020 तक ही है, मैंने अभी लेटेस्ट चेक किया है, तो इसमें 2021 तक है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। एक प्रीवियस ईयर लेना मैं रिकमेंड